दुर्गु कोंदल विकास खंड के अंतर्गत आंधेवाड़ा के बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंधेवाड़ा स्कूली बच्चों की, जो कि सुरुगदोह स्कूल में 80 से 90 छात्र पढ़ाई करने जाते हैं। जिस रोड से स्कूली बच्चे आना जाना करते थे, उस सड़क की मुख्य पुलिया पूरी तरह से टूट चुकी है। बारिश के चलते पुल को बारिश का पानी बहाकर ले गया है। अब सवाल यह आता है कि बच्चे स्कूल जाएं तो जाएं कैसे। अभिभावकों का कहना है कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, हम अपने बच्चों को मौत के मुंह में नहीं जाने देंगे। जब तक शासन प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं करेगा, तब तक हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। और ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग हमारे दैनिक उपयोग में आने वाला है, जिससे गुजर कर हम बाजार जाते हैं। लेकिन अब सुरुगदोह के पास बनी पुलिया को बारिश का पानी बहाकर ले गया, जिसके कारण ग्रामवासियों को राशन भी नहीं मिलेगा और तो और आपातकालीन सुविधाएं भी नहीं मिल पाएंगी। ग्रामीणों ने कहा कि हमारे गांव में अगर कभी अचानक किसी की तबीयत बिगड़ जाती है तो हमें अस्पताल ले जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर सरकार हमारे आने जाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करती है तो कुछ हद तक हमें सुविधाएं मिल सकती हैं, या बच्चों के पढ़ाई करने के लिए कोई व्यवस्था की जाए तो हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरह से हो सकेगी। और ग्रामीण मुखिया, सरपंच, शिक्षक और बच्चे खतरे की आशंका को देखते हुए नई पुलिया निर्माण को करने की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।